हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर सिंगर। दोस्तों, अभी मैं बात करने वाली हूँ अपने लहठी कलेक्शंस के बारे में। तो मेरे पास तो बहुत सारे लहठी हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर टोटल 12 तरह के लहठियों को लिया है, मतलब 12 सेट लहठी को लेकर मैं बैठी हूँ। तो मैं एक एक करके इन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। और मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगी कि ये सभी जो लहठियाँ हैं ये लोकल मार्केट से ही ली हुई हैं, ऑनलाइन हमने परचेज नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इस बड़े डब्बे की बात करूं तो ये जो लहठी है ये मेरे विवाह की लहठी है और ये मेरे नानी घर से मुझे मिला था, तो इसी को पहनकर मेरी शादी हुई थी। और इस तरह से हमने इसे सेट लगा रखा है। तो इसका एक दो लहठी मुझे लगता है कि बढ़ गया है, मतलब बढ़ना मतलब कि क्या बोला जाए, जैसे कि चूड़ी क्रैक कर जाता तो कहते हैं ना कि चूड़ी टूट गई, उसे टूटना नहीं कहना चाहिए, उसे बढ़ना कहना चाहिए। तो उसी तरह लहठी को भी टूटना नहीं बोला जाता है। तो इसमें का दो चार लहठी बढ़ गया है, वो अलग हमने हटा के रखा है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे हटा हुआ है, लेकिन इसे मैं बीच बीच में कभी कभी पहन लेती हूँ। उसके बाद ये जो लहठी है ये अभी बिल्कुल न्यू है, इसे हमने लिया था वैद्यनाथ धाम से। तो ये लहठी बहुत खूबसूरत है, पतली पतली लहठी है, फिरोजी और गोल्डन कलर की, और इसमें नग बैठी हुई है। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। उसके बाद ये लहठी जो है ये भी बाबा धाम की ही है, ये मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था दुर्गा पूजा में। और ये जो लहठी है ये जन्माष्टमी में माँ ने भेजा है। तो ये दोनों सेम है बट बहुत अच्छी लहठी है ये भी। और ये लहठी मुझे रक्षाबंधन में आया था, घर से ही मेरा भाई लेके आया था। तो ये भी उधर की लहठी है, बाबा धाम की ही। तो ये सभी भी मतलब अभी मैं सिर्फ लहठी ही पहन रही हूँ, चूड़ी नहीं पहन रही हूँ, बैंगल्स नहीं पहन रही हूँ। और ये जो लहठी है ये हमने खुद परचेज़ किया था, तो ये मल्टी कलर में है। तो मल्टी कलर में ये है नहीं, सेट नहीं है इसका मल्टी कलर, इसे हमने अलग अलग से लिया था। जैसे चार हमने ये ले लिया, चार ये ले लिया, चार ये, चार ये, मतलब ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू लेकर हमने फिर चारों को मिक्स करके पहना था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लहठी है और इसे मैं बहुत ज़्यादा पहनी हूँ, मतलब इसे पहनकर मैं काम भी की हूँ, लेकिन इसमें कोई मतलब क्या बोला जाए, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ ये। और इसका नग वगैरह देख रहे होंगे कितना ज़्यादा चमक रहा है, मतलब बहुत शाइन करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मैं सभी लहठियों के प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अधिकतर गिफ्टेड है और ये हमने खुद से परचेज़ किया। तो मैं बता दूँ कि ये एक लहठी जो है ना ये कितने की है, 30 या 40 रुपये की है। लेकिन एक बात है कि इसे मैं बहुत पहनी हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका शाइन जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब शाइन एकदम नहीं गया, जैसा न्यू में था वैसा पहनने के बाद भी है ये। और फिर ये जो लहठी है ये मुझे बट सावित्री पूजा में मिला था। तो इसमें चार और पाँच, इसमें 9 लहठियाँ अभी हैं, लेकिन ये 6-6 का था सेट, मतलब एक में चार इस तरह, चार नहीं पांच था, पांच इस तरह की लहठी और अगल बगल थी। तो वो सब इधर उधर हो गई है। इधर उधर क्या मतलब, एक अलग से पॉलीथीन में मैं बहुत सारी लहठियों को रखी हूँ जो कि बढ़ चुकी है, तो उसी में वो भी शामिल है। ये भी हमने बहुत पहना है। इसके बाद ये जो लहठी है ये भी, ये मतलब इसी तरह घर में पहनने के लिए हमने लिया था, हमने लिया था या किसी ने दिया मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये भी लहठी है नग वाली, बहुत सुंदर मरून कलर की। फिर ये लहठी है तो ये भी घर से ही मिला है, मतलब कि थौर से मिला है ये वाली भी लहठी। तो ये भी बहुत अच्छी लहठी है और इसे भी हमने बहुत पहना है। तो ये 2, 3, 5, 3, 5 मतलब 10 लहठी का है ये सेट, 5-5 लहठी दोनों हाथ में। और फिर ये जो लहठी है ये मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये रक्षाबंधन में मामी ने भेजा था। तो ये लहठी भी बहुत सुंदर है, इसका जो ये सब बना हुआ है ना नाक और फूल,
बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो प्राइस मैं इसका नहीं बता सकती, लेकिन हाँ खूबसूरती में अगर बात की जाए तो ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मरून और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही खूबसूरत है ये। और फिर ये जो लहठी है, ये तीन तीन का सेट था, तो हमने इसका इधर ये और ये वाला पता नहीं क्या हो गया, तो अभी मुझे जितना मिला मैं यहाँ पे रख ली हूँ। और अभी मैं बैंगल्स वगैरह भी नहीं पहन रही हूँ, लेकिन बैंगल्स वगैरह भी है मेरे पास। और ये जो लहठी है, सॉरी इसे मैं इस तरह से पहले गिरा दे रही हूँ, ये लहठी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये लहठी जो है ना, ये हमने कहाँ से लिया था, हमने जमुई से इसे परचेज़ किया था। तो ये लहठी भी बहुत खूबसूरत है, दोनों हाथ में इतना इतना लहठी का सेट है, मतलब चार इधर, चार तीन सात, और इधर दस, दस दस लहठियों का सेट है। बहुत खूबसूरत सी लहठी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी 12 सेट लहठियों को आप लोगों को दिखाया है, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द और भी लहठियों के साथ आऊँगी, मतलब मेरे पास और भी बहुत सारी लहठी है, वह सब कुछ दिखाऊंगी, मतलब सब लहठियों को दिखाऊंगी, आप लोगों को सबको शेयर करूंगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।